वक्त टीटनगर स्टेडियम में बैठे हुए हैं और डायरेक्टर सर के पास, और समर कैंप कल से शुरू होने जा रहा है जो हर साल जिसका इंतजार रहता है भोपाल को, और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि मोर देन 21 गेम्स में होते हैं। इस बार गोल्फ को भी शामिल किया जा रहा है ऐसी जानकारी मिली है, और मल्टी स्पेशलिटी एक फिटनेस भी है। तो हम डायरेक्टर सर से जानते हैं कि क्या इस बार की समर कैंप की प्लानिंग और क्या है। सर प्लीज़ बताइए। प्रत्येक वर्ष के तरह इस वर्ष भी हम समर कैंप के आयोजन कर रहे हैं, और हमारा ये अनुभव था कि क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, कि हमारे स्टेडियम के सामने में एक भोपाल हार्ट स्मार्ट सिटी का एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हमारे पार्किंग स्पेस सब चला गया है, तो इसका सबसे बड़ा क्षति जो है बच्चों को हुआ है। तो बच्चे के पेरेंट्स को पार्किंग करने के लिए अभी दूर दूर जाना पड़ता है। तो उनसे बात किए तो उन्होंने बताया कि क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग नहीं है और पार्किंग में काफ़ी असुविधा हो रही है, तो हमने बच्चों का संख्या जो इस बार हम कम कर दिए हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा एक्टिविटी है जो हमें चालू रखना है, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो स्पोर्ट्स के लिए हमको तैयार करना है, फिज़िकल एंड बोथ माइंड के बैलेंस होना है। और समर हॉलीडेज ऐसा है कि बच्चे जो है बहुत घर में बोर हो जाते हैं, फिर कंप्यूटर खेलने लगते हैं या फिर स्मार्टफोन में खेलते रहते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं। उनके जो एक्सेस एनर्जी होता है वो एकेडमिक से नॉन एकेडमिक में हमको ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं जो हम चाहते हैं कि बच्चे आए हमारे यहाँ खेले, जो भी उनको स्पोर्ट पसंद है उसको आप ट्राई करें, और यदि हमारे वहाँ किसी कारण से नहीं करते, बहुत सारे समर कैंप्स अन्य ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ जाएं और बच्चों को जो है खूब खिलाइए, हमारे जो अनुरोध है। सर इस बार क्या नया शामिल किया गोल्फ का है कि गोल्फ इस बार शुरू होगा? बड़ा एक्साइटमेंट है शहर को, बच्चों को खासकर, और एक मल्टी शायद फिटनेस कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट होना उसके बारे में। देखिए गोल्फ जो है काफ़ी इलिटिस्ट गेम माना जाता है, क्योंकि उसके लिए आपको एक गोल्फ कोर्स की आवश्यकता होता है, फिर इक्विपमेंट बहुत महंगा है, तो जो मिडिल क्लास या गरीब बच्चे जो है चाहते हुए भी खेल नहीं पाते। कुछ ऐसे होते हैं जो कैडी जो है जाके एक अच्छा गोल्फर भी बन जाते हैं, तो हम इस शहर के बच्चों को जो उससे हम वंचित नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए गोल्फ के ड्राइविंग रेंज, हम गोल्फ कोर्स तो अभी बना नहीं पाए हैं, लेकिन एक ड्राइविंग रेंज है, जैसे कि क्रिकेट में आपके जो है प्रैक्टिस पिच होता है, नेट प्रैक्टिस होता है, तो ऐसा हमने ड्राइविंग रेंज बनाया है। वो एग्जैक्टली गोरा गांव है जो हमारे शूटिंग एकेडमी के बगल में, माखनलाल विश्वविद्यालय का जो है उसके सम्मुख में, तो वहाँ हम चाहते हैं कि जो है अधिक से अधिक बच्चों को जो है हम गोल्फ में एक्सपोज करें। हम नहीं चाहते कि वो अभी इक्विपमेंट खरीदें, हम उनके जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद में उनको अगर वो खेल पसंद आता है तो फिर वो वहाँ खेल सकते हैं, या फिर BHEL या आर्मी या कहीं भी अन्य शहर में वो समय समय पे जाके एक कंप्लीट फुल कोर्स में खेल सकते हैं। लेकिन इससे क्या है, इस उस गेम से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। आपने बड़ा अच्छा कहा कि गोल्फ जो एक एलीट क्लास माना जाता है, अब एक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शायद मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सो जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, आई थिंक एक फर्स्ट 1 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए शायद ऐसा कुछ है कि ये शुरुआत में ये बताया कि 10 से जो है 12 ईयर्स, हमने बताया 12 to 16 ईयर्स, क्योंकि हम देखना चाहते हैं तब उनका जो है स्विंग विंग सब ठीक ठाक हो जाते हैं, और इतने सारे कोचेस भी हमारे पास में नहीं है, तो शुरुआत में जो है हमने ये कहा है कि 12 to 16, फिर यदि उसमें पर्याप्त बच्चे नहीं आते हैं तो हम एज को जो है घटा सकते हैं, और समर के बाद में जो समर कैंप के बाद में फिर दूसरे बच्चे जो है वो आके हम फिर दूसरे सिस्टम हम उसमें वो करेंगे, या तो पेन प्ले करें या फिर कोई एक अन्य स्कीम लाएंगे, उसमें जो है विचार चल रहा है। एक और मल्टी कुछ फिटनेस भी एक शुरू कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, वो बड़ा हाँ ये जो है एक मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, एक हमारा एक कंपनी है जिससे हमारा अनुबंध है, उन्होंने ये सजेशन दिए हैं। सो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, मैं उसका डिटेल जानकारी मेरे पास में नहीं है, लेकिन उससे ये कि जो है किस बच्चे में क्या टैलेंट है, उसका जंप्स में है या रनिंग में है, या उसका जो है उससे
उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाद में फिर हम उनको एक्सपर्ट के माध्यम से एडवाइस कर सकते हैं कि फलाना फलाना गेम को आप खेलिए, आपके बच्चे में जो उसका स्किल्स है और पोटेंशियल है, टैलेंट है। थैंक यू सो मच।